गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम लोग चैप्टर इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर सेल्स, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। ओके, तो देखिए इस चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लासेस में भी, कंपोनेंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इकोसिस्टम पर डिस्कशन किया था, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिकम्पोजर्स पे। ओके, तो देखिए डिकम्पोजर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर। ठीक है, तो देखिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिक, आर ऑर्गेनिक्स, या आप लिख सकते हैं डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रेक डाउन एंड है ना, ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म, तो देखिए डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसे डिकम्पोजर्स, हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो ब्रेक डाउन कर दे, किसको ब्रेक डाउन कर दे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है या जो सर गए हैं ना, उनको ये ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और ये क्या करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आई बात समझ में, और उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को ये सॉइल में मिक्स कर देता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आई बात समझ में, अब देखिए इसमें जो प्राइमरी डिकम्पोजर्स हैं, प्राइमरी डिकम्पोजर्स जो हैं वो हैं फंगी इन एन इकोसिस्टम्स। तो हमारे इकोसिस्टम में फंगी जो है वो एक प्राइमरी डिकम्पोजर्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिकम्पोजर्स, दैट इज फंगी। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहां पर फूड चैन। देखिए फूड चैन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चैन। अब देखेंगे कि फूड चैन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ eaten up in a linear manner, है ना, इन ए लीनियर मैनर इज कॉल्ड फूड चैन। इसी को हम लोग फूड चैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप इन ए लीनियर मैनर इज कॉल्ड फूड चैन। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चैन। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फूड चैन के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फूड चैन के नाम से जानेंगे, जिसमें फूड जो है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में पास करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फूड चैन।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दैट इज फूड चेन. अब देखिए इसके एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं फूड चेन के. इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर्स है. दिस इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स क्या है? तो ग्रीन प्लांट्स है ना. स्पेशली हम लोग इसको एक्सपेसिव प्रोड्यूसर्स में क्या लेंगे? तो ग्रीन प्लांट्स को ये लेंगे. ग्रीन प्लांट्स है. यहां से ये प्रोड्यूसर्स को खाने वाला कौन? तो प्रोड्यूसर्स को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर में हम क्या देखेंगे? ग्रास हॉपर को हम लोग देखेंगे. उसके बाद आप नेक्स्ट में आइए तो डेट इज प्राइमरी कंज्यूमर पर आइए सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आया? तो आप मान के चलिए रिजार्ड, ये आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आइए टर्सरी कंज्यूमर में. तो टर्सरी कंज्यूमर में कौन आए? तो आप देखेंगे टर्सरी कंज्यूमर. टर्सरी कंज्यूमर तो टर्सरी कंज्यूमर्स में हम लोग देखेंगे जैसे हॉक. ओके देन आफ्टर टर्सरी कंज्यूमर्स के बाद हम लोग लास्ट में आते हैं फाइनल कंज्यूमर पे आते हैं. ओके तो देखिए इस तरह से ये फूड चेन ट्रांसफर हुआ. तो ये आपने देखा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन. तो इस तरह से फूड चेन हुआ. ओके तो ये एग्जांपल्स है फूड चेन का. यहां प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड द फाइनल कंज्यूमर. ओके अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ गई? ओके नो डाउट. तो देखिए ये इस तरह से फूड चेन यानी कि फूड्स जो है वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है. तो ये आपने देखा, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन. तो इस तरह से फूड्स जो है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है. अंडरस्टूड? अब आप देखिए, अब हम लोग चॉपी लेवल पे डिस्कशन करेंगे. ट्रॉपिक लेवल, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. इसमें क्या है? ये एक स्टेप है. इट इज अ स्टेप ऑफ डिवीजन ऑफ फूड चेन. तो ये क्या है? ये एक स्टेप ऑफ डिवीजन से फूड चेन का. तो दैट इज नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल. आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फूड चेन. ओके तो ये आपने देखा कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फूड चेन. ओके नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फूड चेन. तो ये आपने देखा, ये ट्रॉपिक लेवल है. तो जितने ट्रॉपिक लेवल्स होंगे उतने स्टेप्स होंगे फूड चेन में. ओके जैसे इसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स. तो फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल एंड थर्ड टॉपिक लेवल. तो ओके तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में वी डिस्कस ऑन द टॉपिक लेवल्स
and the food chain. Okay.